हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी। आप लोग जुड़ चुके हैं इस समय इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर, और आप लोग इस समय जुड़े हुए हैं वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पर। तो एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सेशन को शेयर भी कर दीजिए, सेशन को लाइक भी कर दीजिए। और आज आपकी क्लास, बच्चे कल तबीयत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से थोड़ा सा मुझे एडमिट भी रहना पड़ा हॉस्पिटल में थोड़ी देर के लिए, 4-5 घंटे के लिए, तो इसलिए आपकी क्लास नहीं हो पाई कल। लेकिन आज आपकी क्लास हो रही है और रेगुलर तरीके से क्लास चलती रहेगी। तो एक बार जल्दी से आप सारे लोग एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दीजिए, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं फटाफट। और अगर अभी तक आप लोगों ने अनअकैडमी पर, बच्चे, सब्सक्रिप्शन नहीं प्राप्त किया है, तो आप सारे लोग अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन जरूर प्राप्त करेंगे। और कोड आपको लगाना है ABCERTAIN, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट निश्चित रूप से मिलने वाला है, ठीक है। इसके अलावा दूसरी बात जो आपको सबसे महत्वपूर्ण याद रखनी है कि रेलवे का सब्सक्रिप्शन, 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है 3000 में, और इसमें भी 10% का डिस्काउंट आपको मिलने वाला है अगर आप ये कोड लगाते हैं। 2 साल का 3600 का है, और इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है अगर आप लोग ABCERTAIN कोड का प्रयोग करते हैं तो, ठीक है बच्चे। इसके अलावा अगर अभी तक आप लोगों ने SSC का सब्सक्रिप्शन नहीं किया, तो भैया फटाफट SSC का भी सब्सक्रिप्शन करेंगे, क्योंकि SSC का सब्सक्रिप्शन आपका करके 10 बजे रात में मेरी क्लास पर जरूर जुड़ेंगे आप लोग, जो कि आपका SSC CHSL के लिए और आपका CGL के लिए और आपका CPO का एग्ज़ाम है, या आप MTS का एग्ज़ाम दे रहे हैं, इन सारे एग्ज़ाम्स को कवर करते हुए GS के लिए ये क्लास आपको रात में 10 बजे चल रही है। जो विद्यार्थी अभी तक अनअकैडमी पर फ्री क्लासेस भी नहीं करते हैं, तो उनके लिए बहुत बेहतरीन, देखिए, समाचार हैं, बहुत बेहतरीन एक इन्फॉर्मेशन है कि अगर प्लस क्लास आप लोग नहीं कर रहे हो, तो देखिए फ्री क्लास भी करिए और प्लस क्लास भी करिए, दोनों आप लोग ज्वाइन कीजिए। और फ्री क्लास को करने के लिए, फ्री क्लास को अनलॉक करने की ज़रूरत पड़ेगी, और अनलॉक करने के लिए आपको क्या करना है बच्चे, अनलॉक करने के लिए आपको एक ही कोड लगाना है, ABCERTAIN से फ्री क्लासेस को अनलॉक कर लोगे, ठीक है। और अनलॉक करके वहाँ पर रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, सारे के सारे सब्जेक्ट आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ते हो, सारे के सारे लोग फ्री क्लासेस को अनलॉक कर लोगे। सुनील भैया कैसे हो, वेरी गुड आफ्टरनून, ठीक है बच्चे। अब देखो, एक बहुत महत्वपूर्ण, एकदम फ्री है आपका अनअकैडमिक कॉम्पैक्ट, और ये SSC का होने वाला है। कब होगा भैया ये? 21 फरवरी को होगा। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इनरोल नहीं किया है, तो फटाफट इनरोल कीजिए आप लोग, फ्री है एकदम। और इसमें बहुत सारे आपको प्राइज भी मिलने वाले हैं, स्कॉलरशिप फुल ऑफ है आपका ये, तो आप लोग जल्दी से इसको इनरोल कर लेंगे। इनरोल करके आप लोगों को करना क्या है, जब इनरोल करोगे तो ये यूज़ कोड लिखा है ना, इसमें आपको ये कोड लिख देना है। क्या लिख देना है इसमें, यूज़ कोड में ABCERTAIN लिख देना है, कैपिटल लेटर में, बगैर किसी स्पेस के, और आप लोगों को इनरोल करना है। ये बात सारे विद्यार्थी समझ लोगे, सभी लोगों को, सभी को इसमें क्लास के बाद में इनरोल करना है, सभी को इसमें प्रतियोगिता, एक तरीके से कह सकते हो स्कॉलरशिप टेस्ट है आपका, ये अनअकैडमिक कॉम्बैट है, ये आपका 21 फरवरी को 12 बजे आपका होने वाला है। तो एक बार जल्दी से, बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है फॉर SSC एग्ज़ाम, बिल्कुल देर नहीं करनी है इसमें, ठीक है भाई। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, व्हेन दिल्ली दरबार वाज नॉट हेल्ड, दिल्ली दरबार कब नहीं हुआ, 1903, 1902, 1877 में या 1911 में, क्या आंसर होगा भाई, फटाफट आंसर करिए। जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भैया, सेशन को शेयर करिए फटाफट से, एक बार जल्दी से सेशन को शेयर करिए भाई, सारे के सारे लोग जल्दी से आंसर कीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। वेरी गुड आफ्टरनून सचिन, वेरी गुड आफ्टरनून सुनील भैया कैसे हो, अधिराज चौधरी, राधे राधे, आंसर कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। देखो बड़ा बेहतरीन सवाल है, दिल्ली दरबार हम लोग जानते हैं, दिल्ली दरबार हुआ है 3 बार, कितने बार हुआ है, 3 बार हुआ है। अब इसमें से कौन सा एक वर्ष है जब नहीं हुआ है, देखो कंचन राज मलानी कह रही है 1877 में नहीं हुआ है, कंचन कह रही है 1877 में नहीं हुआ है, बाकी लोग भाई बताओगे कब नहीं हुआ है। देखो दिल्ली दरबार 1903 में हुआ है, 1877 में भी हुआ है, 1911 में भी हुआ है, इन तीनों ईयर में दिल्ली दरबार हुआ है, 1902 में दिल्ली दरबार भैया नहीं होता है, याद रखोगे। और किसी भी विद्यार्थी ने 1902 आंसर नहीं दिया, ठीक है, याद रखना है आपको, ये सारे लोगों को याद रहेगा, हाँ है ना।
पलक कुमारी हुआ है बच्चे 1877 में तो पहला ही हुआ था, 1903 में दूसरा हुआ है, 1911 में तीसरा हुआ है। अगला सवाल, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? 1854 में, 1860 में, 1885 में, 1880 में? क्या आंसर होगा भाई? मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत भारत में कब हुई थी? देखो तो बड़ा बेहतरीन सा सवाल है। मनी ऑर्डर जो सिस्टम था वो 1880 में स्टार्ट हुआ है। कब? 1880 में। 1854 अगर पूछा जाए तो एक वुड डिस्पैच, वुड डिस्पैच एक शिक्षा का कमीशन है, 1854 में आया था। 1860 में अंग्रेजों ने पहला बजट हिंदुस्तान में, और जेम्स विल्सन ने पहला बजट बच्चे 1860 में प्रस्तुत किया था। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, आलू का हरा रंग होता है क्या कारण है? केराटिन के कारण, या सोलेनिन के कारण, लाइकोपिन के कारण, या एमाइलेडिन के कारण? आलू का हरा रंग किसके कारण होता है? बहुत बढ़िया भैया, आकाश, प्रियंका, निकिता, सारे लोग सेशन को शेयर कर दोगे, कोई भी विद्यार्थी ऐसा ना बचे, तो हर जगह पर आप लोग शेयर कर दोगे। जल्दी से जल्दी फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिए भाई। देखो बेहतरीन सवाल है, आलू की बात करोगे तो आलू हम लोग जानते हैं भैया, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत अधिक होती है। क्या होती है बच्चे? कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत अधिक होती है। और दूसरी चीज, आलू है क्या? आलू बच्चे तना है, एक पॉइंट ये भी क्लियर होना चाहिए। आलू का रंग क्या केराटिन के कारण होता है? बिल्कुल भी नहीं होता है केराटिन के कारण। क्या लाइकोपिन के कारण? बिल्कुल भी नहीं होता। लाइकोपिन के कारण जो टमाटर होता है उसका रंग बच्चे लाल जो है वो लाइकोपिन के कारण होता है। सही रंग क्या है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सोलेनिन के कारण आलू का रंग हरा होता है। कभी कभी आलू में आप देखते होंगे कि हरापन हो जाता है, वो सोलेनिन के कारण आलू में हरापन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मैंगनीज अयस्क कौन सा है इनमें से? चाल्कोसाइट है, या कैल्वेराइट है, या पाइरोलुसाइट है, या सिडेराइट है? कौन सा इसमें से मैगनीज का एक अयस्क है? आंसर कीजिए भाई फास्ट, तेजी से। बहुत बढ़िया हिमांशु वर्मा जी, आंसर करते रहोगे भैया। प्रियंका शाह, हिमांशु वर्मा, स्नेहा, निकिता, जितने लोग जुड़े हुए हैं तेजी से आंसर करते रहोगे बच्चे। देखो भाई, मैग्नीज का सिंबल अगर कभी पूछा जाएगा तो Mn होता है, मैग्नीशियम का सिंबल पूछा जाए तो Mg होता है। ठीक है, याद रहेगा आपको। अगर कभी भी सवाल पूछा जाएगा और वाला, तो भैया इसका सही आंसर क्या होगा? इसका बच्चे सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, एक बार फटाफट से भैया शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए भाई। बिल्कुल सही, देखो प्रियंका कह रही है चाल्को साइट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया। कैल्वेराइट कुछ लोग आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग भाई, वेरी गुड आफ्टरनून मोहिनी, आंसर करोगे भाई सारे लोग? एक बार जल्दी से आंसर करिए आप लोग, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीज अयस्क की जब भी बात करोगे, हम लोग मैग्नीज अयस्क की बात करते हैं, तो मैग्नीज अयस्क हो जाएगा आपका पाइरोलुसाइट, चाल्कोसाइट नहीं होगा। ठीक है, जल्दी से बताओगे चाल्कोसाइट किसका होगा अयस्क? फटाफट बताओगे कमेंट बॉक्स में, चाल्कोसाइट किसका होगा, कैल्वेराइट किसका होगा? देखो ये तो हो गया, ये आपका एयू गोल्ड का हो गया, चाल्कोसाइट बताओ भाई किसका हो जाएगा? हमने एक बार बताया था आपको कि चाल्कोसाइट जो है, हमने आपको बताया था बच्चे, चाल्कोसाइट जो है वो आपका रहता कॉपर का, मैंने बताया है, एक कॉपर का रहता है, और दूसरा आपका हमने बताया था गोल्ड का रहता है। कैल्वेराइट आपका गोल्ड का हो जाता है, और एक आपका हो जाता है कॉपर का। ठीक है, याद रहेगा। अब मैग्नीज के उत्पादन में अगर कभी पूछा जाएगा तो उड़ीसा का केंदुझर मैग्नीज के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक नृत्य है बहुत बेहतरीन, कृष्णा परिजात, आपको बताना है ये किस राज्य का नृत्य है, किस राज्य में नृत्य किया जाता है? कृष्णा परिजात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, या कर्नाटक? क्या सही आंसर होगा भैया? सौरभ यादव, राम राम। जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सारे के सारे लोग सेशन को शेयर जरूर करेंगे अधिक से अधिक। ठीक है, चलिए आंसर कीजिए आप लोग, इसका सही आंसर क्या होगा? कृष्णा परिजात नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु की बात करोगे तो दो तीन नृत्य जरूर याद रखना है, एक भैया करागम याद रखना है, दूसरा अगर कभी पूछा जाएगा तो भरतनाट्यम याद रखना है, ये दोनों तमिलनाडु के हो जाते हैं। आंध्र प्रदेश का बड़ा प्रसिद्ध एक नृत्य है जिसको हम लोग कुचिपुड़ी कहते हैं, कुचिपुड़ी कहते हैं, आंध्र प्रदेश का है।
महाराष्ट्र का भी एक बड़ा प्रसिद्ध है तमाशा, और तमाशा के अलावा भी एक दूसरा नृत्य है जिसको हम लोग कहते हैं लावड़ी, ये भी महाराष्ट्र का है। कर्नाटक का एक बहुत प्रसिद्ध नृत्य है यक्षगान, और कर्नाटक के जो उत्तरी कर्नाटक वाला एरिया है उसमें कृष्णा पारिजात होता है, उत्तरी कर्नाटक के एरिया में। तो आंसर क्या हो गया है इसका, कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटक के गवर्नर कौन है, रुदाभाई बाला है। मुख्यमंत्री कौन है, वाई एस येदियुरप्पा है। यहां पर भगत सिंह, कोश्यारी, उद्धव ठाकरे हो जाते हैं भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में उपराष्ट्रपति पद पर बने रहने के लिए न्यूनतम आयु, मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए, 40 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, या कोई भी लिमिट नहीं है न्यूनतम उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु। देखो हमारे यहाँ एक बड़ा अच्छा सिस्टम दिया गया है, प्रेसिडेंट सबसे ऊपर है, फिर हम लोग जानते हैं वाइस प्रेसिडेंट, फिर उसके बाद में पीएम आ जाएगा। अगर हम लोग एज वाइज बात करते हैं, मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ साफ साफ, सबसे पहले प्रेसिडेंट, फिर वाइस प्रेसिडेंट की एज कितनी होनी चाहिए, पीएम की एज कितनी होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, लोकपाल के लिए एज कितनी होनी चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, देखो समझ लेना भाई। प्रेसिडेंट की 35 होनी चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट की 35 होनी चाहिए, गवर्नर बनने के लिए मिनिमम एज 35 होनी चाहिए, ये तीन तो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के लिए 35। तो यहां पर उपराष्ट्रपति पूछा गया तो आंसर हो गया भाई 35। अगर यही पूछा जाए अधिकतम, तो अधिकतम राष्ट्रपति बनने के लिए कोई भी अधिकतम एज नहीं, उपराष्ट्रपति बनने के लिए कोई भी अधिकतम एज का प्रावधान नहीं संविधान में, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 साल, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 साल, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल। ये सब आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। और अगर पूछा जाए भाई ये जो लोकपाल है, लोकपाल का कहा गया है 5/70, यानी कि 70 वर्ष के वो हो जाए तब रिटायर हो जाएंगे, या उनका कार्यकाल 5 वर्ष पहले पूरा हो जाएगा वो रिटायर हो जाएंगे। तो ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें दी गई हैं जिनको आपको टिप्स पर याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन का संबंध किससे है, फटाफट आंसर कीजिए, स्ट्रैबो, मेगास्थनीज, फायान या हंसान, क्या आंसर होगा भाई, हर्षवर्धन का संबंध किससे है। जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ नए जुड़ते जा रहे हैं, हर एक विद्यार्थी सेशन को शेयर जरूर करेगा। ठीक है, आंसर कीजिए भाई इसका, सही आंसर क्या होगा। देखो बच्चे, हर्षवर्धन की बात करोगे तो हर्षवर्धन किस वंश का है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये पुष्यभूति वंश का है। अब पुष्यभूति वंश की बात करोगे तो हरियाणा के थानेश्वर में, कहां पर भैया, थानेश्वर में इनकी कैपिटल थी, और हर्ष ने जो कैपिटल ट्रांसफर की थानेश्वर से वो कहां पर ट्रांसफर की थी, कन्नौज। हर्ष का समय अगर पूछा जाएगा तो 606 एडी से लेकर के 647 तक हर्ष ने शासन किया है। हर्ष के समय में एक चीनी यात्री आता है ह्वेनसांग, और ह्वेनसांग यहां पर एक वर्णन करता है, एक किताब लिखता है जिसका नाम है सी यू की। ठीक है, याद रहेगा। फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आता है, किसके समय में आता है भैया, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि गुप्त वंश के समय में आता है, विक्रमादित्य के समय में, और इसकी जो किताब का नाम है वो है भैया फो क्यू की, फो क्यू की, ये फायान की किताब का नाम है। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में है, और इसकी एक बहुत प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है बच्चे इंडिका, क्या हो जाता है, इंडिका इसकी रचना हो जाती है। ठीक है भाई प्यारे विद्यार्थियों, याद रहेगा हाँ या ना, एक बार जल्दी से बताओगे प्यारे विद्यार्थियों, सेशन को भैया शेयर करोगे, अधिक से अधिक जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक बार जल्दी से सेशन को, आप सारे के सारे लोग सेशन को शेयर कर देंगे, अधिक से अधिक, जितना अधिक से अधिक शेयर करेंगे उतना ही आनंद आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कपिल सर्वप्रथम प्रतिपादक थे, कपिल भाई किसके प्रतिपादक थे, फटाफट से आंसर कीजिए, कपिल किस दर्शन के प्रतिपादक थे, क्या आंसर होगा, कपिल किस दर्शन के प्रतिपादक थे, क्या आंसर होगा इसका, फटाफट से आंसर कीजिए बच्चे फास्ट। देखो भाई बड़ा बेहतरीन सा सवाल है, महर्षि कपिल, महर्षि कपिल की बात करोगे सबसे पुराने दर्शन के प्रणेता हैं, और सबसे पुराना दर्शन कौन सा है, सांख्य, याद रखा है ये आपका ओल्डेस्ट है। यहां तक कि जो गौतम बुद्ध के पहले गुरु थे उनका नाम था भैया अलार कलाम, ये अलार कलाम जो हैं ये सांख्य दर्शन के आचार्य हैं।
ये सांख्य दर्शन के आचार्य हैं, गौतम बुद्ध के पहले गुरु। वैशेषिक पूछा जाएगा तो वैशेषिक भैया कणाद, कणाद थे संस्थापक, और कणाद का दूसरा नाम क्या है, उलूक, उलूक कणाद बोला जाता है उनको। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित रोगों में से किसके अतिरिक्त सभी रोग विषाणु जनित हैं, कौन सा यानी कि विषाणु जनित नहीं है। अगर क्वेश्चन को दूसरे मोड में समझें तो इसमें बताया गया है, पूछ रहा है कि भैया कौन सा विषाणु जनित नहीं है, टाइफाइड, पीलिया, मम्स या इन्फ्लुएंजा। मम्स का मतलब होता है हिंदी में हम लोग कह देते हैं गलसुआ, क्या बोलते हैं भाई गलसुआ, गलसुआ का मतलब हो गया जिसमें स्लेवरी ग्लैंड, स्लेवरी ग्लैंड किसमें, पैरोटिड में, जिसमें पैरोटिड में स्वेलिंग आ जाती है, एक लार ग्रंथि होती है, उसको हम लोग मम्स या गलसुआ बोलते हैं। टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफोसा, ये आपका बैक्टीरियल बॉर्न डिजीज है, ठीक है याद रहेगा। मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजाई, ये आपका मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजाई पूछा जाएगा, तो हम लोग जानते हैं ये भी वायरस से है, ये भी वायरस से है, ये भी वायरस से है, लेकिन ये आपका एक बैक्टीरिया से होने वाले साल्मोनेला टाइफोसा, ये बैक्टीरिया से होने वाला टाइफाइड है, और टाइफाइड के लिए जो टेस्ट किया जाता है डायग्नोज वो होता है पॉलीविडॉल। कौन सा डायग्नोज टेस्ट होता है भाई, पॉलीविडॉल इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, ठीक है याद रहेगा। पीलिया से प्रभावित होने वाला अंग, तो हम लोग कहेंगे पीलिया से प्रभावित होता है भाई आपका लीवर। इन्फ्लुएंजा से अगर पूछा जाएगा, जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में, इन्फ्लुएंजा से प्रभावित कौन सा अंग होगा, फटाफट बताओगे भाई फ्लू से। अगला सवाल, लोक सेवा आयोगों के कृत्य से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, 123, 312, 320 या 108, फटाफट आंसर कीजिए। और जितना भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर एक विद्यार्थी सेशन को भैया शेयर करोगे अधिक से अधिक, तब आनंद आएगा इसका, सेशन में तब आनंद आएगा, शेयर कीजिए अधिक से अधिक और संख्या बढ़ाइए। यहाँ पर लोक सेवा आयोग के कृत्यों से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, देखो समझना है। अगर कभी आपसे पूछा जाए राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है, राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करेगा वो आर्टिकल 312 से करेगा, 312 से 123 से, ठीक है 312 से क्या होगा, 312 से बच्चे क्या होगा, 312 से जो होगा वो राज्यसभा ऑल इंडिया सर्विस का गठन करेगी, ऑल इंडिया सर्विस का गठन करेगी आर्टिकल 312 से राज्यसभा। 108 में अगर पूछा जाएगा तो संयुक्त बैठक है, संयुक्त बैठक के मतलब बच्चे ज्वाइंट सेशन, ज्वाइंट सेशन बुलाएगा कौन, बुलाएंगे भैया राष्ट्रपति महोदय, अध्यक्षता कौन करेगा, अध्यक्षता करेंगे लोकसभा अध्यक्ष, याद रहेगा ये पॉइंट। 320 में लोक सेवा आयोग के कृत्य हैं, क्योंकि लोक सेवा आयोग आपका 315 से शुरू हो जाता है, 315 में लोक सेवा आयोग के गठन की बात की गई है, याद रहेगा हाँ या ना, एक बार जल्दी से बताओगे। अगर कभी राज्यपाल पूछा जाए अध्यादेश, तो राज्यपाल का अध्यादेश आर्टिकल नंबर 213 में है, ये भी आप लोग नोट कर लोगे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से मानव शरीर के किस तंत्र द्वारा हार्मोन नियंत्रित होते हैं, फटाफट आंसर कीजिए भाई जल्दी से, किस तंत्र के द्वारा हार्मोन नियंत्रित होते हैं, फटाफट से आंसर कीजिए भाई जल्दी से, क्या सही आंसर होगा इसका, तेजी से बच्चे आंसर कीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा, किसके द्वारा हार्मोन नियंत्रित होते हैं, क्या सही आंसर होगा। देखो बच्चे बहुत बेहतरीन तरीके से समझना है आपको, हम लोग जानते हैं कि दो तरीके की ग्लैंड्स होती हैं हमारे शरीर में, एक इंडोक्राइन होती है, इंडो के मतलब अंतःस्रावी, और दूसरी आपकी एक्सोक्राइन होती है यानी कि बहिस्रावी, एक मिक्स्ड होती है जिसको हम लोग पेंक्रियाज बोलते हैं, यानी कि पेंक्रियाज जो है वो आपका हार्मोन भी सिक्रीट करती है, एंजाइम भी। इंडोक्राइन से जो भी लिक्विड सिक्रीट होगा वो आपका हमेशा हार्मोन होगा, एक्सोक्राइन से जो भी सिक्रीट होगा वो हमेशा एंजाइम होगा, तो हमेशा इंडोक्राइन क्या करेगी, अंतःस्रावी ग्रंथि को यानी कि ये जो हार्मोन है उनको नियंत्रित करने में इसका काम होगा। और अभी मैंने बताया एक हमारी कैसी है, मिक्स्ड ग्लैंड है, मिक्स्ड ग्लैंड यानी कि वो अंतःस्रावी भी है बहिस्रावी है, वो आपकी कौन सी है, पैंक्रियास। सबसे बड़ी ग्रंथि मानव शरीर की पूछी जाएगी तो सबसे बड़ी बच्चे लीवर है, दूसरी सबसे बड़ी पैंक्रियास है, सबसे छोटी पूछी जाएगी तो पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी सबसे छोटी ग्रंथि है, ठीक है। अगला सवाल, कोक बोरोक, ये भाषा भैया कहाँ की है, मध्य प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा,
फटाफट से आंसर कीजिए भाई, बिल्कुल जल्दी से। पूजा कुमारी, जितने लोग जुड़े हुए हैं, पलक कुमारी, बहुत बढ़िया, आंचल पाल देव, मोहिनी, जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार हर एक विद्यार्थी सेशन को फिर से शेयर कर दो, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए एक बार, और आंसर दीजिए आप लोग। इसका आंसर क्या होगा भाई? कोक बोरोक भाषा। देखो समझना है, कोक बोरोक भाषा हमारी भारत में तो बोली जाती है, भारत के साथ साथ ये म्यांमार, जिसको हम लोग कहते हैं ना वर्मा, म्यांमार में भी बोली जाती है, ठीक है। और भारत में ये मध्य प्रदेश की भाषा नहीं है, नागालैंड की भी भाषा नहीं है, ये मेघालय की भी भाषा नहीं है, यह आपकी त्रिपुरी समुदाय के लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। त्रिपुरा की जो कैपिटल अगर कभी पूछा जाएगा तो आप इजीली बता सकते हो भैया अगरतला जो है ये त्रिपुरा की कैपिटल है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। मेघालय की कैपिटल शिलांग है, और मेघालय में गारो, खासी और भैया जयंतिया, ये तीनों जो हैं पहाड़ियां हैं, और इस खासी पहाड़ी को हम लोग सोहरा पहाड़ियां कहते हैं। यहीं पर सबसे ज्यादा बारिश वाला स्थान वो आपका क्या हो जाएगा? मासिंदा, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म इंटीग्रेटेड सर्किट चिप में बेस मटेरियल के रूप में प्रयोग किया जाता है? एल्युमिनियम को, सिल्वर को, चांदी को, या लिथियम को, या शुद्ध सिलिकॉन को, किसको प्रयोग किया जाता है? फास्ट, आंचल पाल, पूजा कुमारी, अभी बहुत बढ़िया भाई, अजीत, हर्ष, बहुत बेहतरीन, आंसर करते रहोगे बच्चे, जितने लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, अधिराज चौधरी, पलक, अजीत कुमार, तेजी से आंसर कीजिए। देखो भैया, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप में जो बेस मटेरियल के रूप में प्रयोग किया जाता है, वो भैया बेस मटेरियल के रूप में प्रयोग किया जाता है प्योर सिलिकॉन को। किसको प्रयोग किया जाता है? ये प्योर सिलिकॉन को। और हम लोग जानते हैं कंप्यूटर के जो आईसी चिप्स बने होते हैं वो भी सिलिकॉन के ही बने होते हैं, और आईसी चिप्स के अगर पूछा जाएगा जनक कौन है, किसने इन्वेंट किया था, तो जैक्स किल्बी का नाम याद रखना, ये सवाल आपका बहुत बार पूछा गया है। एल्युमिनियम एक ऐसा तत्व है जो चुंबक को आकर्षित नहीं करता, चुंबक को आकर्षित नहीं करता है। विद्युत का सबसे अधिक सुचालक पूछा जाए तो सबसे अधिक सुचालक बच्चे क्या हो जाएगा? चांदी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल, इसका आंसर क्या हो गया भाई? शुद्ध सिलिकॉन। कौन सा राज्य बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? फटाफट से आंसर कीजिए भाई, बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श कौन सा नहीं करता है, क्या आंसर होगा? फटाफट से आंसर कीजिए बच्चे, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, बांग्लादेश की सीमा को कौन सा स्पर्श नहीं करता है? देखो बांग्लादेश का कोड आपको याद होना चाहिए, बस तुरंत आंसर निकल आएगा, टाइम, AM PM, ये आपको याद रखना है। टाइम से हो गया आपका त्रिपुरा, AM में A से असम, M से मेघालय, PM में P से पश्चिम बंगाल, और M से मिजोरम, ठीक है, याद रहेगा। तो यानी कि त्रिपुरा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, यानी कि त्रिपुरा है, मेघालय है, मिजोरम है, लेकिन मणिपुर बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता। टाइम AM PM कहां पर है भाई? तो ये बांग्लादेश में है। नेपाल का मैंने आपको बीसियों बार बताया है, हमारा आपका दोस्त सुब्बू ये नेपाल में रहता है, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बंगाल, बिहार, ठीक है, ये भी मैंने बताया है। और हमारी मामी कहां पर रहती हैं? हमारी आपकी मामी वो म्यांमार में रहती हैं, और उनका नाम क्या है? अरुणा। तो अरुणा मामी, ये म्यांमार का कोड हो गया, अरुणा मामी। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये आपका हो गया किसका हो गया भाई? ये आपका बच्चे हो गया म्यांमार का कोड हो गया, ठीक है, अरुणवामी, और सुब्बू नेपाल का हो गया। टाइम AM PM आपका कहां का हो गया? बांग्लादेश का। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे मोबाइल फोन का जनक कहते हैं? रेने लेनेक, अलग्रास, चार्ल्स बेबेज, या इनमें से कोई नहीं? फटाफट से आंसर कीजिए भाई, तेजी से जितने लोग भी जुड़े हुए फटाफट तेजी से आंसर करोगे, क्या सही आंसर होगा इसका? देखो भैया, बड़ा बेहतरीन सवाल है, मोबाइल फोन के जनक की बात करोगे तो मोबाइल फोन के जनक रेने लेलक नहीं है, इस डेथ है, इसको आप जानते हैं, रेने लेलक आ जाता है, ठीक है। ब्लूटूथ हम लोग जानते हैं, अलग्रास आ जाता है, चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के पिता कहे जाते हैं। तो सही आंसर क्या हो गया आपका? इनमें से कोई नहीं। अगर इनमें से कोई नहीं है तो आंसर क्या होगा इसका? क्योंकि मार्टिन कूपर को हम लोग मोबाइल फोन का जनक कहते हैं, मोबाइल फोन का इन्वेंटर
मार्टिन कूपर को कहते हैं। अगला सवाल, रेल बजट को सामान्य बजट से बच्चे कब अलग किया गया? रेल बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया, क्या आंसर होगा भाई? फटाफट से आंसर कीजिए बच्चे। रेल बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया, क्या आंसर होगा? देखो बड़ा बेहतरीन सा सवाल है। हम लोग जानते हैं कि अंग्रेजों ने सबसे पहला बजट 1860 में जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था। उसके बाद में होता क्या था कि जो अलोकेटेड, जो अलॉटेड पैसा होता था, अमाउंट होता था, वो रेलवे में ज़्यादा खर्च होता था। तो इसीलिए 1921 में एक कमेटी आई, एकवर्थ कमेटी। ये एकवर्थ कमेटी, इस एकवर्थ कमेटी के रिकमेंडेशन पर रेल बजट को यूनियन बजट से 1924 में अलग हो गया, और रेल बजट अलग से और यूनियन बजट अलग से आने लगा। अब आपको ये बताना है ये पुनः एक फिर से कब हुआ? फिर से एक कर दिया ना बीजेपी ने, पुनः एक, यानी कि अब एक ही बजट में रेलवे बजट और यूनियन बजट दोनों हो जाएगा, ये कब से शुरू होगा? जल्दी से बताओ भाई, फटाफट कमेंट सेक्शन में। विट्रियाल का तेल के नाम से किसको जाना जाता है? विच इज नोन एज ऑयल ऑफ विट्रियाल। विट्रियाल ऑयल के नाम से किसको जाना जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या एसिटिक एसिड? फटाफट से आंसर कीजिए भाई, विट्रियाल के तेल के नाम से किसको जाना जाता है, क्या आंसर होगा? तेजी से आंसर करोगे भाई, फास्ट। देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम लोग जानते हैं HCl होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है भाई? HCl होता है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? H2SO4 होता है। और ये सिरका होता है। एसिटिक एसिड क्या होता है? सिरका होता है। इसको हम लोग CH3COOH कहते हैं, यही तो कहते हैं भाई। अब यहाँ पर ध्यान से समझोगे, HCl तो पाचन में भी सहायता करता है, जो भोजन के माइक्रोबैक्टीरियाज होते हैं उनको एबोलिश करता है। सल्फ्यूरिक एसिड, जितने लोग आंसर कर रहे हो भाई, सचिन ने सबसे पहले आंसर किया था, बहुत बढ़िया भाई सचिन, वेरी गुड। सही आंसर क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड गंध अम्ल भी कहते हैं इसको, ऑयल ऑफ विट्रियल भी कहते हैं। एसिटिक एसिड जो होता है सिरका, ऑल्सो नोन एज, क्या बोल देते हैं हम लोग, एथनोइक एसिड के नाम से भी हम लोग इसको बोल देते हैं भैया, एसिटिक एसिड, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लोगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज्वालामुखी गैसों में भी पाया जाता है। किसमें? ज्वालामुखी गैसों में भी पाया जाता है। और मानव जठर में इसकी अल्प मात्रा रहती है, और आहार पाचन में जो सहायता का काम करती है, मैंने अभी आपको बताया, भोजन के माइक्रोबैक्टीरियाज को नष्ट करने का काम ये करती है। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई थी? फटाफट आंसर कीजिए भाई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बच्चे कब शुरू की गई थी? दिसंबर 2014 में, दिसंबर 2000 में, दिसंबर 2015 में, या दिसंबर 2005 में? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बच्चे कब शुरू की गई थी, क्या आंसर होगा इसका? देखो भैया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करोगे तो दिसंबर 2014 बिल्कुल भी नहीं होगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, फटाफट आंसर कीजिए भाई, सही आंसर क्या होगा इसका? तेजी से, जितने लोग जुड़े हुए हैं तेजी से आंसर करोगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आपकी दिसंबर 2000 में शुरू हुई है, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा शुरू की गई थी दिसंबर 2000 में। इसमें 500 की न्यूनतम आबादी और पहाड़ी राज्यों, आदिवासी जिलों, रेगिस्तानी इलाकों में 250 की न्यूनतम आबादी के साथ सभी ग्रामीणों को सड़क संपर्क प्रदान करने हेतु एक विशाल कार्यक्रम, विशाल योजना ये शुरू की गई थी। अगला सवाल है, जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य कौन सा है? गबन गोदान, या मानसरोवर, या ये सभी हो जाएंगे? फटाफट आंसर कीजिए भैया, या सभी हो जाएंगे, क्या आंसर होगा इसका? बहुत बढ़िया, देखिए क्वेश्चन है, हम लोग जानते हैं सारी की सारी रचनाएं प्रेमचंद की हैं, ये भी है, ये भी है, तीनों प्रेमचंद की हैं। और प्रेमचंद को कथा सम्राट भी कहा जाता है, प्रेमचंद को भैया कथा सम्राट के नाम से भी जानते हैं प्रेमचंद को, मुंशी प्रेमचंद को। प्रेमचंद का जन्म लम्ही बनारस में होता है, ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। और जीवन और संस्कृत का जो महाकाव्य है वो आपका गोदान है। 8 भागों में विभाजित अगर पूछा जाएगा, 8 भागों में, तो 8 भागों में प्रेमचंद का जो विभाजित है वो मानसरोवर हो जाता है, ठीक है भाई। चलिए अगला सवाल है, मिस्र की सभ्यता का काल क्या है? 4000 से 600 BC, या 3400 से आपका हो जाएगा 1000 BC, या 2500 से 1750 BC, या 1765 से 250 BC? फटाफट आंसर कीजिए भाई, इसका बच्चे सही उत्तर क्या होगा?
इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चे, तेजी से आंसर कीजिए बच्चे। देखो बड़ा बेहतरीन सा सवाल है, बहुत बेहतरीन सा सवाल है, इसको बहुत ध्यान से समझोगे आप लोग, बहुत ध्यान से समझने वाला है भाई। मिस्र की सभ्यता का जो काल है, जो बच्चे मिस्र की सभ्यता का काल है, इसको आप लोग बहुत ध्यान से समझोगे। ये मिस्र की सभ्यता का जो काल है, ये 2500 से नहीं शुरू होता है भैया, ये आपका शुरू होता है 3400 से 1000। और अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन ये रेडियो कार्बन जो हम लोग जानते हैं ना, ये C14 मेथड से जो सर्वमान्य तिथि है वो 2500 से 1750 है हड़प्पा सभ्यता की। एक बार देख लोगे भैया, मेसोपोटामिया हो जाता है आपका 4000 से 600, मिस्र की 3400 से 1000, और हड़प्पा सभ्यता 2500 से 1750, और चाइनीज रेवोल्यूशन का 1765 से 250 ईस्वी पूर्व हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल, डोडो किस देश का एक राष्ट्रीय पक्षी या राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह बन गया है, फटाफट आंसर कीजिए भाई, बहुत बेहतरीन। ममता यादव जी आंसर करते रहोगे, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं फटाफट आंसर करते रहेंगे, एक बार सेशन को शेयर भी कर देंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा। हेलो एवरीवन, देखिए 12:30 बजे भैया क्लास होती है, आप लोग 12:30 बजे डेली जुड़ा करो, 12:30 बजे वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर आप लोग जुड़ा करिए, लेट जुड़ते हो भाई तुम लोग। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। ममता यादव जी हेलो, बिल्कुल भाई आंसर कीजिए इसका। देखो भाई ये आपका हो जाएगा डोडो किसका हो जाएगा। निकिता कह रहे हैं कि सर म्यांमार होना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं मालदीव होना चाहिए, लेकिन सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, मॉरिशस का है, मॉरिशस का हो जाएगा भाई। ठीक है, डोडो म्यांमार को हम लोग सप्त पैगोडा भी कहते हैं, और मालदीव की बात करेंगे तो मालदीव एशिया में सबसे कम एरिया वाला देश है, कैपिटल इसकी माले है, कैपिटल क्या है माले है। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के पुत्र ने विद्रोह किया था, फटाफट से आंसर कीजिए, किस मुगल बादशाह के पुत्र ने विद्रोह किया था, आंसर क्या होगा, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, क्या आंसर होगा। देखो भैया बाबर सबसे पहला है, हुमायूं दूसरा है, ठीक है, फिर अकबर है, फिर जहांगीर है, फिर शाहजहां है, फिर औरंगजेब है, याद रहेगा। बाबर 1526 से लेकर के 30 तक चला है, हुमायूं 30 से 40 एक शासन किया है, फिर 55 से 56 दूसरा शासन किया है, बीच में शेरशाह और उसके उत्तराधिकारी होते हैं। अकबर 1556 से 1605 तक शासन किया है, जहांगीर 1605 से लेकर के 1627 तक शासन किया है, शाहजहां 1627 से लेकर के, ठीक है, 1658 तक शासन किया है, और औरंगजेब 1658 से लेकर के ये 1707 तक शासन किया है। ये पूरे एक डिवीजन है, कब से कब तक किसने शासन किया है। और मुगल बादशाह के जो पुत्र था जहांगीर, जहांगीर के पुत्र का नाम था खुसरो, उस खुसरो ने अपने पिता के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया, और जाकर के मिल गया, जाकर के आशीर्वाद लेने के लिए, सहायता लेने के लिए, किससे, सिखों के गुरु अर्जुन देव के पास में। जहांगीर ने संदेश भिजवाया कि हमारे विद्रोही पुत्र की मदद ना करें, लेकिन गुरु अर्जुन देव साहब नहीं माने, तो इसीलिए गुरु अर्जुन देव साहब को मृत्युदंड भी देता है जहांगीर, और बाद में अपने पुत्र को भैरोबाल, जालंधर के पास में एक जगह थी भैरोबाल, वहाँ पर युद्ध होता है, और वहाँ पर इसको गिरफ्तार करके, अरेस्ट करके इसको अंधा करवा देता है। ठीक है भैया, याद रहेगा सारे लोगों को। शाहजहां का समय स्थापत्य कला का स्वर्णकाल, जहांगीर का समय चित्रकला का स्वर्णकाल। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल, उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है, ह्यूरन, सुपीरियर, इरी या ओंटारियो। उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप की सबसे बड़ी भैया झील कौन सी है, बिल्कुल आंसर करिए फटाफट से। अर्चना मोहंती, संजीव डांगी, जितने लोग जुड़े हुए हैं तेजी से भैया आंसर करोगे, सारे के सारे लोग, जितने लोग जुड़े हुए हैं फटाफट से आंसर कीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है, देखो भैया उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप की अगर सबसे बड़ी झील की बात करोगे, तो हम लोग नॉर्थ अमेरिका की जो 5 ग्रेट लेक्स के बारे में जानते हैं, वो आपकी होम्स हैं, ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन, इरी और सुपीरियर। ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन, इरी और सुपीरियर, ये आपकी नॉर्थ अमेरिका की ये 5 ग्रेट लेक्स हैं। ठीक है, सबको पता है, इसमें मिशिगन पूरी तरीके से अमेरिका में स्थित है, और सुपीरियर जो है आपकी सबसे बड़ी झीलों में आती है। और अगर पूछा जाए नियाग्रा वाटरफॉल,
तो इरी और ओंटारियो के बीच में नियाग्रा वाटरफॉल है, अगर पूछा जाए सू कैनाल तो सुपीरियर और ह्यूरन के बीच में सू कैनाल है, ठीक है। और शिकागो किसके किनारे है? शिकागो बच्चे मिशिगन के किनारे स्थित है। अगला सवाल, भारत की पहली महिला विदेश सचिव कौन है? सुषमा स्वराज, चोकिला अय्यर, अन्ना राजन मल्होत्रा या लीला सेठ? कौन है भाई भारत की पहली महिला विदेश सचिव? देखो भारत की नहीं कहोगे, दिल्ली की अगर पूछा जाएगा पहली महिला मुख्यमंत्री तो सुषमा स्वराज, भारत की पहली महिला पूर्णकालिक विदेश मंत्री तो सुषमा स्वराज, भारत की पहली महिला विदेश सचिव पूछा जाएगा तो चोकिला अय्यर हो जाती हैं, ठीक है। और पूछा जाएगा भारत की पहली महिला किसी हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस तो लीला सेठ दिल्ली की हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस होती हैं। चोकिला अय्यर 1964 बैच की IFS अधिकारी हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस की अधिकारी हैं, ठीक है भाई। और ये अनुसूचित जाति जनजाति के आयोग के उपाध्यक्ष, लोक सेवा आयोग की सदस्य भी रही हैं, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बड़ा जबरदस्त अध्यक्ष रही हैं। जो भी बच्चा सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू देने जाता था वो जरूर इनके बारे में कुछ ना कुछ बढ़िया सा नॉलेजेबल कमेंट जरूर दे करके वहाँ से निकलता जरूर था भाई, ठीक है। जब भी वो आते तो कहते थे ये चोकिला अय्यर जी के बोर्ड में था हमारा, तो ऐसा एक बहुत फेमस रही हैं। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव अ बॉर्डर विद द एल्पस रेंज? आल्पस के साथ में भैया किसका कौन सा देश स्पर्श नहीं करता है? फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया या वेटिकन सिटी? कौन सा देश जो है वो एल्पस के साथ में स्पर्श नहीं करता है? फटाफट आंसर कीजिए भाई। देखो हम लोग जब भी एल्पस की बात करेंगे स्विट्जरलैंड तो मेन रहेगा ही रहेगा, बिल्कुल रहेगा। कैपिटल इसकी बर्न है भैया स्विट्जरलैंड की, बिल्कुल याद होना चाहिए। फ्रांस की कैपिटल भाई पेरिस है, और पेरिस में नदी है सीन, ये सीन नदी के किनारे है, तो ये भी लगता है, ये भी लगता है, ये भी लगता है, लेकिन वेटिकन सिटी इससे स्पर्श नहीं करता है, ठीक है। कैसे? आप लोग यहाँ पर देख सकते हो भैया, ये है आल्पस पर्वतमाला, ये आपकी आल्पस पर्वतमाला है, ठीक है भाई। यहाँ पर देखोगे लिचेनस्टीन है, ऑस्ट्रिया है, स्लोवेनिया है, ये फ्रांस है, ये सारे के सारे स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है। आल्पस पर्वतमाला जिसमें फ्रांस भी है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रिया है, स्लोवेनिया है, ये सारी सीमाएं लगती हैं। सिसली और सार्डिनिया जो भूमध्य सागर के सबसे बड़े दो द्वीप हैं, इटली के ही अंग हैं, और वेटिकन सिटी और सैन मेरिनो ये इटली के अंतर्गत समाहित दो स्वतंत्र देश आ जाते हैं, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? बिल्कुल बच्चे 100% यूजफुल होंगे, टोंडिया जी 100% यूजफुल होंगे आपके, आंसर कीजिए इसका। 1975, 1991, 1962 या 1990? भूतपूर्व राष्ट्रपति बीवी गिरी, बरहा वेंकट गिरी साहब को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? 1975 में, 1991 में, 1962 में या 1990 में? फटाफट आंसर कीजिए भाई तेजी से, क्या आंसर होगा इसका? देखो बच्चे, बरहा वेंकट गिरी साहब एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जो कि द्वितीय चरण की मतगणना से विजयी हुए, द्वितीय चरण की मतगणना से विजयी होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति बरहा वेंकट गिरी साहब हैं, और इनको भारत रत्न 1975 में मिला है। 1991 में तीन लोगों को मिला है, सबसे वयोवृद्ध प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को, सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी को, भारत के पहले गृह मंत्री, पहले उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल साहब को, 62 में भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद साहब को, 1990 में नेल्सन मंडेला और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिया गया है। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट आंसर कीजिए भैया, भारतीय राष्ट्रीय जो समुद्री दिवस है बच्चे ये कब मनाया जाता है, क्या आंसर होगा? भारतीय राष्ट्रीय समुद्री दिवस ये कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 22 मार्च, 5 अप्रैल, 22 मई, क्या आंसर होना चाहिए? देखो बड़ा आसान सा सवाल है, एलिमिनेट कर लोगे आराम से। 22 अप्रैल को हम लोग जानते हैं बच्चे, 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल को आपका जो मनाया जाता है वो 22 अप्रैल को भैया मनाया जाता है आपका पृथ्वी दिवस, 22 मार्च को जल दिवस है, ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है आपका ये 5 अप्रैल को मनाया, कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल। अगला सवाल, लीवर का भार शरीर के भार का कितना
भाग होता है, आंसर कीजिए। भाग में बताना है 1/20, 1/10, 1/30 या 1/50, क्या आंसर होगा? लीवर का भार शरीर के भार का कितने भाग होता है? फटाफट से आंसर कीजिए भाई, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लीवर का भार शरीर के भार का कितने भाग होता है? 1/20, 1/10, 1/30 या 1/50? देखो भाई, बड़ा बेहतरीन सा सवाल है। लीवर ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ी ग्लैंड है, बिल्कुल। बाइल का निर्माण भी अगर पूछा जाएगा ना कभी, पित्त का निर्माण, तो पित्त का निर्माण भी लीवर में होता है, लेकिन इकट्ठा कहाँ पर होता है? गॉल ब्लैडर में, पित्ताशय में। और इसका सही आंसर हो जाएगा, देखो राजीव कुमार ने सही आंसर दिया, 1/50 भाग होता है। बहुत बढ़िया राजीव। अगला सवाल, मलेरिया, निद्रा रोग, कालाजार, अमीबी पेचिस, ये बीमारियाँ किसके कारण होती हैं? बैक्टीरिया के कारण, वायरस के कारण, प्रोटोजोआ के कारण या कवक के कारण? फटाफट से आंसर कीजिए भैया, 1/20 नहीं 1/50 होगा, ठीक है? अजीत कुमार करेक्ट कर लोगे, इसका आंसर कीजिए भाई। मलेरिया रोग, निद्रा रोग, कालाजार और अमीबी पेचिस। मलेरिया रोग, निद्रा रोग, कालाजार और अमीबी पेचिस, ये बीमारियाँ किसके कारण होती हैं? क्या बैक्टीरिया से होती हैं? बैक्टीरिया से, देखो भाई, टीबी कह सकते हो, टाइफाइड कह सकते हो, ये सब हो जाती हैं आपकी बैक्टीरिया से। विषाणुओं से पूछा जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं फ्लू, बिल्कुल विषाणुओं से होता है। एड्स, बिल्कुल विषाणुओं से होता है। रेबीज, बिल्कुल विषाणुओं से होता है। प्रोटोजोआ से मलेरिया भी होगा, ठीक है, बिल्कुल याद रहना चाहिए, प्लाज्मोडियम। और निद्रा रोग, बिल्कुल हम लोग जानते हैं ट्रिपेनोसोमा होता है, ये निद्रा रोग होता है। स्लीपिंग सिकनेस, कालाजार, लीस्मेनिया, डोनावानी, एंड अमीबा हिस्टोलिटिका, ये पेंचिस हो जाता है। तो ये और ये चारों के चारों आपकी प्रोटोजोइक बॉर्न डिजीज हैं, याद रखना। कैसी हैं? प्रोटोजोइक बॉर्न डिजीज। अगर कबक की बहुत प्रसिद्ध बीमारी पूछी जाए तो आप गंजापन जरूर याद रखोगे, इसमें बच्चे गड़बड़ करते हैं, सबसे ज़्यादा गंजापन में गड़बड़ करते हैं, गलत लगा के आते हैं। और दूसरा रेबीज में गलत लगा के आते हैं, रेबीज वायरस से है और गंजापन आपका कवक से है, ठीक है भैया, ये याद रखोगे। अगला सवाल, विच डे सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड रेडियो डे, विश्व रेडियो दिवस के रूप में किसको मनाया जाता है? 5 जून को या 21 जून को, 13 फरवरी को या 28 फरवरी? आपका कमेंट आ रहा है भाई ममता यादव जी, बिल्कुल आपका कमेंट आ रहा है, आपका कमेंट बच्चे आ रहा है, बिल्कुल फ्लू, बिल्कुल H5N1 कह सकते हो, वर्ड फ्लू, बिल्कुल बिल्कुल वर्ड फ्लू कह सकते हो। इसका आंसर क्या होगा भाई, किस दिन को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, 21 जून को हम लोग क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल योगा डे, 28 फरवरी को हम लोग विज्ञान दिवस मनाते हैं और 13 फरवरी को हम लोग वर्ल्ड रेडियो डे के फॉर्म में मनाते हैं। अगला सवाल है, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? गरीबी हटाओ का नारा बच्चे किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? 4थी में, 5वीं में, 6ठी में या 7वीं में? क्या आंसर होगा? गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? फटाफट से आंसर दीजिए। देखो भैया, गरीबी हटाओ का जो नारा दिया गया है, पॉवर्टी एलिविएशन, ये आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। 6ठी पंचवर्षीय योजना में आपकी नाबार्ड की स्थापना होती है, ये भी आपकी 6ठी पंचवर्षीय योजना में होती है, ठीक है भाई, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चंस आज के आपके यहाँ पर समाप्त होते हैं। तो जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, किसी भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, हमारा रेफरल कोड ABSIR10 का प्रयोग आपको करना ही करना है। ABSIR10 कैपिटल लेटर में आप सभी लोगों को बगैर किसी स्पेस के लिखना है, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और देखिए, अनअकैडमिक कॉम्बैट हो रहा है आपका SSC का, तो अगर अभी तक आप लोगों ने बच्चे इसमें एकदम फ्री है, ठीक है, लिखा हुआ भी एकदम फ्री है, इसमें कोई आपका फीस नहीं लग रही है, तो इसमें आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए और स्कॉलरशिप टेस्ट जीतिए आप लोग, बिल्कुल भाई। जितने लोग भी इसमें इनरोल करेंगे, तो इनरोल करने के लिए रेफरल कोड आपको ABSIR10 कोड यूज़ करना है, ठीक है, फटाफट से इनरोल कर लोगे जितने लोग, भैया एकदम फ्री है टेस्ट, ठीक है, याद रहेगा आप सारे लोगों को। और फटाफट अनअकैडमी पर आप लोग ये कॉम्बैट में इनरोलमेंट कर लीजिए आप सारे के सारे लोग, और जल्दी से इनरोल करके इसमें फटाफट से आप लोग प्राइज जीतिए। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, एक बार लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और इस तरीके से रेगुलर 12:30 बजे भैया आप लोग डेली जुड़ा करो, 12:30 बजे आप लोग डेली जुड़ा करो, ठीक है।
ठीक है, रेगुलर क्लास रहेगी आपकी।